ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं YouTube का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ईद गुजरी होगी बहुत अच्छी गुजरी होगी, क्योंकि ईद वाले दिन काफ़ी लॉन्ग हॉलीडेज थे और एक अच्छा खासा मार्जिन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी आपकी और मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी। इसके अलावा जैसे कि लास्ट वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट आपकी पॉजिटिव है और मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म करना है। साथ ही हमने एक और स्पेशल वीलॉग भी बनाया था जिसमें हमने कुछ स्क्रिप्ट के नाम भी लिए थे कि ये स्क्रिप्ट आपके टॉप परफॉर्म करेंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो ATRL टॉप पर था, ATRL था, PRL था, OGDC, PPL और उसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट थे। अगर आप मेरा वीलॉग देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने वो स्क्रिप्ट बताए थे जो ईद के बाद आपको इनमें तेजी देखने में आएगी। आज हमने देखा कि ATRL दूसरे तमाम स्क्रिप्ट ने भी बेहतर परफॉर्म किया। मार्केट भी आगाज के साथ से ही पॉजिटिव थी और फिर मार्केट ने एक टाइम में 356 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया, 41,000 और 363 तक मार्केट गई। मार्केट में हाई लेवल पे जाने के बाद हमने मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी, थोड़ी एडजस्टमेंट भी देखी, लेकिन जैसे कि आपको बताया गया था कि जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मार्केट एक टाइम में 30 पॉइंट रह गई थी और फिर फाइनली 91 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज हुई 41,099 के करीब। मार्केट में वॉल्यूम्स में भी देखा जाए तो 185 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि थर्सडे वाले दिन के वॉल्यूम से ज्यादा थे। वॉल्यूम 171 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर और टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये टॉप वॉल्यूम लीडर है जिसमें PRL, फौजी फूड, सरफेरिस रहे, जबकि टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो खैबर टूबेको, सनोफी, एवेंटिस, एक्साइड, एटलस बैटरी टॉप गेनर्स है। टॉप डिक्लाइनर्स में सफायर फाइबर, जबकि JS ग्लोबल कैपिटल मार्केट डिक्लाइन साइड पर है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी, फूड सेक्टर्स, रिफाइनरीज, ये आपके टॉप पर रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, ग्लास, सेरामिक्स, ये आपके यानी कि डिक्लाइन साइड पर है। कंपनीज वाइज अगर देखा जाए तो दाऊद, हरकुलस, UBL, बैंक LFB, मारी, FFC, हबको, TRG ये टॉप पर रहे, जबकि डिक्लाइन साइड पर अगर देखा जाए तो एंग्रो कॉर्पोरेशन आपका 35 पॉइंट के साथ डिक्लाइन रहा, जबकि हबी बैंक, लकी, कैपको ये आपका डिक्लाइन रहे। आपको याद होगा कि लास्ट वीलॉग के अंदर आपको खास करके बताया गया था कि एंग्रो अपना अनाउंसमेंट कर चुका है और गेन कर चुका है। एंग्रो के हवाले से भी एक स्पेशल वीलॉग बताया गया था और प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी गई थी कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी फिर ये रैली करेगा, तो आज हमने वही एडजस्टमेंट उसमें देखी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक के बाद एक देखा जाए तो लॉटरी ओपन हो रही है इन्वेस्टर्स की, उन इन्वेस्टर्स की लॉटरी ओपन हो रही है जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखते हैं, जो अच्छा एक गेन के लिए एक अच्छे आइटम को एक अच्छे टाइम के लिए होल्ड करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो एटलस बैटरी में अगर अर्निंग भी बहुत अच्छी रही और एटलस बैटरी की 23.43 रुपये की EPS रही, और जबकि लास्ट टाइम 2.40 रुपये थी और 22.5 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा एटलस बैटरी ऊपर का लॉक लगा, इसके हवाले से भी अगर देखा जाए तो लास्ट 4 महीने पहले हमने स्पेशल वी लॉक बनाया था और उसके टारगेट शेयर किए थे। इसके अलावा भी और बहुत सारे रिजल्ट रहे जिसमें ऑक्टोपस का रिजल्ट था, 15% का बोनस दिया, जबकि इंडस मोटर था 24 रुपये, देखा जाए 24 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया 24.40 रुपये, जबकि कैपको ने नील डिविडेंड अनाउंस किया, EPS भी कम रही। इसके अलावा भी मिचल फ्रूट जो कंपनी नेगेटिव थी वो पॉजिटिव तरफ आ गई, 2.73 रुपये यानी कि नुकसान में थी कंपनी, 1.42 रुपये के साथ पॉजिटिव हो गई और अनाउंसमेंट काफी अच्छे रहे। वीकेंड पर अगर हम देखें तो न्यूज भी काफी पॉजिटिव रही जिसमें सऊदी अरब की तरफ से यानी कि पाकिस्तान सऊदी अरब में साइन डील फॉर 2 बिलियन डिपॉजिट आफ्टर ई, यानी ईद के बाद जो है 2 बिलियन के यानी कि साइन हो जाएंगे एग्रीमेंट्स वगैरह। इसके अलावा IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में तमाम तर मामला यानी कि तेप आ गए, तो इंशाल्लाह किसी भी टाइम IMF के साथ कोई बेहतर न्यूज आ सकती है। इसके साथ भी अगर हम देखें तो आज डॉलर में यानी कि डॉलर वंस अगेन आपका हायर सेट पर था और पाक रुपीज डेप्रिशिएट हो रहा था क्योंकि एक लॉन्ग वेकेशन के बाद मार्केट स्टार्ट रही थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके अलावा भी जो न्यूज चल रही थी कि रशियन ऑयल टू बी चीपर बाय $18
पर बैरल, यानी कि रशियन ऑयल हमें $18 यानी कम में मिल सकता है, और इसका भी यानी कि डील साइन हुई, तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा था। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में महंगाई के बाईस जो हज करने वाले हैं जो कम पड़ गए, कोटा जो सऊदीया की तरफ से हमेशा मिलता है उसको रिटर्न किया जा रहा है कि इस बार हज करने वाले जो यानी हाजी हैं वो कम से कम होंगे, क्योंकि हज काफ़ी महंगा हो चुका है। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से जेरे इत्तेहादी जमातों की एक इजलास हुआ जिसमें ये पीटीए के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही जो भी फैसला होगा वो पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। तो ये भी एक अच्छा और प्लस पॉइंट है कि अगर पार्लियामेंट में कई सारे मामला तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई इंतजार ना हो तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी बात जो मामला होते हैं वो मुज़ाकरात से ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $77.22 के पास ट्रेड कर रहा है। लास्ट हमने आपको बताया था कि ये क्रूड ऑयल आपका डिप लेके रिबाउंड कर जाएगा, 79 तक रिबाउंड हुआ और इस वक्त 77 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है और 78 से लेके 80 का एरिया वंस अगेन मीट कर सकता है। एवरी डिप अपॉर्चुनिटी है बाय के लिए। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 53 सेंट गिरा हुआ है, जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर जो है आपके गोल्ड में तकरीबन देखा जाए ततो 2009 के पास ट्रेड कर रहा है, $5 का इजाफा है, जबकि सिल्वर भी $25.26 के पास चल रहा है। डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ सकता है, गोल्ड सिल्वर में आपकी गिरावट नजर आ सकती है, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 41,256 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 40,850 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट चूंकि लास्ट वीक के अंदर मार्केट आपकी 441 पॉइंट ओवरबोट थी, तो इस वीक के अंदर जैसे मार्केट ने स्टार्ट लिया और मार्केट 356 पॉइंट गई, और आपने जो अचानक करेक्शन देखी वो वजह यही थी कि लास्ट वीक में 400 पॉइंट ओवरबोट थी और जब मार्केट 350 पॉइंट प्लस हो गई तो तकरीबन 700 पॉइंट ओवरबोट थी, इसलिए मार्केट एडजस्ट के साथ 448 के करीब क्लोज हुई। इसके अलावा अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 1916 पॉइंट मार्केट अब ओवरसोल्ड रह गई है, क्योंकि मार्केट एक टाइम में 3100 पॉइंट तक चली गई थी, अब उसमें रिकवरी होके 1100 पॉइंट की रिकवरी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, देखिए अगर आप हमारे मुख्तलिफ वीलॉग्स देखें और हम मुख्तलिफ आपको बताते रहे कि मार्केट आपकी डे बाय डे यानी पॉजिटिव है और मार्केट शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से पॉजिटिव, मार्केट परफॉर्म करेगी, आपने देखा एक के बाद एक लेवल अचीव हो रहे हैं और फिर इंडेक्स के भी लेवल अचीव हो रहे हैं, साथ साथ जो स्पेशल ग्रुप में और जो कॉल्स दी गई उनके भी टारगेट अचीव हो रहे हैं। शॉर्ट ग्राफ आज स्लाइटली ओवरबोट हुए थे जिसकी वजह से हमने देखा कि 41,356 के बाद मार्केट में एक शॉर्ट करेक्शन जनरेट हुई है। मार्केट का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 40,800 से लेकर 750 का लेवल है, मार्केट के इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज इस लेवल तक आती है तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगी कि बाय वन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर है और हायर सेट का मौका मिलेगा। मार्केट का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा 41,000 यानी कि देखा जाए तो 400 का लेवल होगा, वो ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो मार्केट मजीद लेवल शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से अचीव करेगी। अब हम बात करते हैं जरा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट आज किस तरह की मूव की, मार्केट जो लास्ट 3 डेज से यानी इससे पहले मार्केट जिस तरह परफॉर्म करी थी मार्केट ने उसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखा और मार्केट थोड़ा सा गैप ओपनिंग के साथ हुई, मार्केट ने हायर लेवल टेस्ट करने के बाद आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। मार्केट में जो आज जो क्लोजिंग रही है मार्केट में मुख्तलिफ अनाउंसमेंट है जिसके अनाउंसमेंट बेहतर होंगे इंडेक्स के लिहाज से, इंडेक्स वाले स्टॉक्स के या फिर अदर स्टॉक्स के, तो मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी, अदरवाइज ये होगा कि हायर सेट पे जाएगी और इंडेक्स आपका इसी तरीके से एक रेंज बाउंड की कश्मकश में रहेगा। 41,400 के अलावा ब्रेक होगा तो मार्केट रैली कंटिन्यू होगी, अदरवाइज मार्केट आपकी 40,800-700 से लेकर 41,000 के दरमियान रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी। तो आपने करना ये कि हायर सेट पे जाती है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, डिप पर दोबारा अच्छे स्टॉक चूज करने हैं। इसके अलावा वीकली बेसिस पे आज फर्स्ट डे था तो मार्केट ने आज देखा जाए तो एक तरह से बेहतर परफॉर्म किया और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट थोड़ा सा एडजस्ट, क्योंकि इस वीक के अंदर 2 डेज होंगे तो मार्केट इसके अंदर एडजस्टमेंट करेगी और बेहतर क्लोजिंग देगी। इसके अलावा एटलस बैटरी के बारे में हमने टारगेट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम टारगेट हिट हुए, स्पेशल ग्रुप की काफी कॉल्स दी गई जिनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर होंगे, एक के बाद एक कॉल देते गए जिसमें TRG की कॉल, एटलस बैटरी की कॉल, मुख्तलिफ कॉल्स दी गई। इसी तरीके से बहुत सारी कॉल्स होती हैं जो हम स्पेशल ग्रुप में लॉन्ग कॉल्स दे रहे होते हैं, शॉर्ट कॉल्स देते हैं और उनके टारगेट्स अचीव होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। कल के हवाले से अगर देखा जाए तो स्पेशल आप इनके ऊपर नजर रख सकते हैं, हब को आपका अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं,
PPL, OGDC अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, TRG अच्छा गेन दे सकता है आपको, इसके अलावा AGL छोटे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट हो रहा है, जबकि PRL थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकता है, एंग्रो कॉर्पोरेशन में थोड़ी कमी हो सकती है, फिर इसके बाद दोबारा रैली बन सकती है। इसके अलावा भी और बहुत से स्टॉक्स होते हैं जो लाइव बताए जाते हैं, उन लाइव कॉल्स को अचीव करने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।